ब्राइटन यूनिवर्सिटी। ब्राइटन यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल इवेंट मैनेजमेंट MSc का प्रोग्राम ऑफर कर रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, लीडरशिप MBA, MBA इन लीडरशिप मैनेजमेंट अवेलेबल है, MSc मैनेजमेंट, अगर कोई बंदा जस्ट मैनेजमेंट की डिग्री करना चाहे तो दे हैव द MSc मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी MSc अवेलेबल है, मार्केटिंग में है, मार्केटिंग के अंदर आप भी समझें कि MSc मार्केटिंग के साथ आपको जो मेजर्स मिलते हैं उसमें ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है, डिजिटल मार्केटिंग भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल मार्केटिंग भी और सोशल मार्केटिंग भी, तो डिपेंड्स वट एवर काइंड ऑफ मार्केटिंग यू वाना स्टडी। अदर देन दैट इसके बाद MBA का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इनके जो कोर्सेज होते हैं वो फेब में स्टार्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ जनवरी। इनके बाद अदर देन दैट इनके पास जो एडवांस ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर भी MSc ऑफर हो रहा है, एडवांस फिजियोथेरेपी में भी प्रोग्राम अवेलेबल है, सिविल वालों के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और हेल्थ साइंसेज वालों के लिए MSc हेल्थ और MSc हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ ऑफर एंड हेल्थ एंड मैनेजमेंट। तो वो स्टूडेंट जो पब्लिक हेल्थ या मैनेजमेंट साइड पर जाना चाहते हैं उनके लिए हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी होता है, या हेल्थ प्रमोशन के अंदर भी MSc ऑफर कर रही है ये यूनिवर्सिटी। लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर MA का प्रोग्राम अवेलेबल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, तो ये बड़ा अच्छा टाइटल है या ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, ड्यूल मेजर मिल जाता है, सिविल वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है टू ऑप्ट। इनकी जो फीसिस हैं £15,300 पर एनम पर है, लेकिन AC यूनिवर्सिटी में अगर आप प्लेसमेंट ईयर के साथ कोई प्रोग्राम चूज करते हैं तो उसकी फीस अराउंड आप समझेंगे £2,100 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो आप समझेंगे 70,400 के नियर बाय चला जाएगा विद प्लेसमेंट, अदरवाइज £15,300 में तमाम MSc के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इनकी जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो 6.0 है विद नो लेस देन 5.5 इंच कंपोनेंट। स्कॉलरशिप £2,500 तक की अवेलेबल है, इसका इनिशियल डिपॉजिट भी जस्ट £1,500 है, इनटेक जनवरी का है, इसकी जो मिनिमम बैचलर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट जो है मास्टर्स के लिए वो 55+ या 2.5 CGPA। यू कैन said that if you have in your bachelor's 4-year honors degree you can secure the admission। Harriet Ward University ke paas artificial intelligence, MSc digital design and innovation, MA business and psychology, MSc energy aur MSc business and psychology का प्रोग्राम विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो प्रोग्राम ऑफर हो रहा है वो MSc बिजनेस साइकोलॉजी विद HRM ये प्रोग्राम ऑफर होता है। फैशन एंड टेक्सटाइल वालों के लिए भी प्रोग्राम अवेलेबल है इनके पास जो अपना MSc के अंदर है, और MA के अंदर इनके पास बिजनेस साइकोलॉजी विद इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन या MSc फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन विद इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट भी इनके पास प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं, MSc फैशन एंड टेक्सटाइल मैनेजमेंट भी है इनके पास, MSc सिविल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट, ये 2 ईयर्स का प्रोग्राम है जो ये ऑफर करती है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी जो है इनके पास प्रोग्राम ऑफर होता है, कमर्शियल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सर्विंग, ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रोबोटिक्स इंटरेक्शन का प्रोग्राम भी अवेलेबल है इनके पास, कमर्शियल मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी सर्विंग विद इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट के साथ ये प्रोग्राम अवेलेबल है। आप समझें कि जो इनका प्रोग्राम है ये इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट के साथ है। MSc इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन MA के अंदर ऑफर है, कंप्यूटिंग 2 ईयर्स वाला, 2 ईयर्स विच मीन्स आपको प्लेसमेंट ईयर मिल गया, या MSc इंटरनेशनल बिजनेस या MSc इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का प्रोग्राम भी इनके पास अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से टाइटल है इनके पास, MSc इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट विद फाइनेंस, तो ऐसे स्टूडेंट जो मैनेजमेंट की डिग्री फाइनेंस के साथ करना चाहते हैं तो दिस यूनिवर्सिटी ऑफरिंग दिस प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ विद प्लेसमेंट ईयर 2 ईयर्स का प्रोग्राम ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी। दे हैव द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। अदर देन दैट दे हैव MSc इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट विद HRM मेजर, डेटा साइंस भी अवेलेबल है कंप्यूटर्स वालों के लिए, MSc इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट विद इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट, तो दे हैव द वैरायटी ऑफ प्लेसमेंट ईयर प्रोग्राम फॉर जेन इनटेक। डिजाइन मैनेजमेंट भी है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट विद मार्केटिंग, तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। इनकी जो फीसिस हैं वो £15,300 पर एनम से लेकर £17,440 पर एनम तक क्लोज हो जाती हैं, डिपेंड्स द प्रोग्राम यू चूज। तो 15,300 में मोस्टली प्रोग्राम है, 17,400 में वो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं जो विद प्लेसमेंट ईयर हैं, तो प्लेसमेंट ईयर के हार्डली आप कह लेंगे 2,000 समथिंग पाउंड्स ही आप पे कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते इतनी फीस पे करना या प्लेसमेंट ईयर चूज करना तो
तो 15300 के अंदर आपको प्रोग्राम ऑफर हो जाएगा। IELTS 6.5 ओवरऑल होना चाहिए विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट। इनके पास स्कॉलरशिप 1500 पाउंड से लेकर 3000 पाउंड तक होती है, डिपेंड द मेजर यू चूज। इनका इनिशियल डिपॉजिट भी 3000 पाउंड है। इनटेक जनवरी का अवेलेबल है। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो 2.5 CGPA या 55% प्लस आपके पास होना चाहिए इन योर लास्ट 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री। कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, कार्डिफ मेट के पास जो जनवरी में प्रोग्राम ऑफर होने हैं उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस MSc है, MSc फैशन मार्केटिंग मैनेजमेंट है, MSc एडवांस कंप्यूटर साइंस या MSc फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम ये ऑफर कर रही हैं। इनके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस भी है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है फॉर IT स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है फॉर IT स्टूडेंट। MBA भी अवेलेबल है जनवरी के लिए और इंटरनेशनल बिजनेस में भी MSc ऑफर कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। और डेटा साइंस, अगर जो स्टूडेंट डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं या इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का प्रोग्राम ले लें, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और इवेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी वैरायटी भी इनके पास अवेलेबल है विद टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। तो ये एक वैरायटी है, ये टाइटल नहीं मिलता, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखा है MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट दे आर ऑफरिंग MSc टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच मीन्स के टूवर्ड्स द IT ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, तो IT वालों को ये सूट करेगा। और साथ के साथ अगर सिविल वाला भी करना चाहे या आपका बिजनेस ग्रेजुएट भी इंजीनियर भी करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहे तो ये प्रोग्राम उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो फीसेज हैं इसकी वो 13,000 पाउंड से लेकर 15,000 पाउंड के इन बिटवीन है, डिपेंड्स अपॉन प्रोग्राम यू चूज। IELTS 6.5 ओवरऑल होना चाहिए विद नो लेस देन 5.5। स्कॉलरशिप 1,000 पाउंड से लेकर 1,500 पाउंड के इन बिटवीन है, डिपेंड्स अपॉन योर CGPA, आप कितना GPA सिक्योर करते हैं, कितना अच्छा आपका मेरिट बनता है। और इनिशियल डिपॉजिट में इनके पास मिनिमम 4,000 पाउंड रिक्वायर्ड है। इनटेक जनवरी का है। एंट्री रिक्वायरमेंट में इनके पास मिनिमम आपके पास 65% का मतलब है आप अराउंड कह लें कि 2.89 के करीब, 2.8-2.9 के नियर बाय आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए। 2.7 तक वाला भी 65 बना लेता है अपनी, डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी GPA के स्कोर। अगर आपके बैचलर्स डिग्री में 65% प्लस अगर मार्क्स हैं देन यू कैन सिक्योर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी।